ये जो मंडे 11 फरवरी को इतना बड़ा रोड शो हुआ कांग्रेस का लखनऊ में, उससे किसकी नींद उड़नी चाहिए, किसको सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए? क्या आपने कहा प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ? नहीं, ये तो बहुत ऑब्वियस है, तो बहुत ही ज़्यादा एक ऑब्वियस आपने गेस लगा लिया। मेरे विचार में जिसकी सबसे ज़्यादा जिसको चिंता होनी चाहिए वो मायावती जी हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने एक बहुत ही भारी गठबंधन बनाया है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन जब मौका आया कि कांग्रेस को भी उस गठबंधन में खींचकर तीनों पार्टियों का एक महागठबंधन बनाया जाए तो उन्होंने उसको रोक दिया। शायद इस रोड शो से पहले जो उनका लॉजिक था वो शायद उसमें सच्चाई थी, सत्य था, वो इंटेलिजेंट था, क्योंकि उनका मानना है कि कांग्रेस की लीडरशिप यूपी में इतनी वीक है, सक्रिय नहीं है, कि वो कभी भी अपना वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर पाई है। और मायावती जी ये भी जानती है कि 2019 में चाहे जो भी रिजल्ट आए, उनकी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो शायद हर स्थिति में सरकार में होगी, चाहे एनडीए का कोएलिशन हो, चाहे यूपीए का कोएलिशन हो, और चाहे तीसरा फ्रंट यानी कि फेडरल फ्रंट का कोएलिशन हो, जो भी स्थिति बनेगी शायद उनकी जो पार्टी है वो तीनों स्थितियों में, तीनों सरकारों में एक सक्रिय भूमिका जो है वो निभाएगी। और लोगों का मानना तो ये भी है कि कम से कम मायावती जी उप प्रधानमंत्री तो बनेंगी, लेकिन अब इस रोड शो के बाद जो शुरुआती कांग्रेस का जो लग रहा है कि उसकी स्थिति जो है सुधर रही है उत्तर प्रदेश में, तो अब मुझे लगता है कि ये जो श्रेय है कि प्रधानमंत्री मोदी को जो सबसे अहम हराने वाला होगा, वो श्रेय मायावती से मेरे को लगता है कि पास हो गया है, अखिलेश यादव के पास आ गया है वो श्रेय, क्योंकि वो शायद मायावती जी से ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि ये जो कांग्रेस का जो थोड़ा सा जो सुधार हो रहा है स्थिति में, उससे एक बहुत ही नई पॉलिटिकल केमिस्ट्री यूपी में शायद पैदा की जा सकती है। तो मेरा तो मानना यह है कि अखिलेश यादव को इमीडिएटली मायावती जी को, जिनको कि वो प्यार से बुआ भी बुलाते हैं, उनको कहना चाहिए कि मैं आपके पास आना चाहता हूं और चाय पे चर्चा करना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा कि चाय पे चर्चा है, कितनी एक ज़रूरी पॉलिटिकल मूव बना दी थी प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में, तो अब मेरे को लगता है कि अखिलेश यादव को भी वही पॉलिटिकल मूव करना चाहिए और इस चाय पे चर्चा पे उनको एक 10 पॉइंट का, 10 पॉलिटिकल फैक्ट्स का एक बहुत ज़रूरी अहम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना चाहिए अपनी बुआ मायावती जी के लिए। तो पॉइंट नंबर वन तो उनका ये होगा कि देखिए जो 2014 का चुनाव था वो एक अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना कि एक ब्लैक स्वान था, मतलब बहुत ही अभूतपूर्व था, अनयूजुअल था। अगर हम उसी को देखते रहेंगे तो हम गलत निष्कर्ष निकालेंगे। हमको देखना चाहिए 2009 का चुनाव भी, जब कांग्रेस को 21 सीट मिली थी, और देखिए वो जो 21 सीटें थी वो बीएसपी से भी ज्यादा थी और बीजेपी से भी ज्यादा थी और समाजवादी पार्टी से सिर्फ एक आध सीट ही कम थी, और तब उनको 20% का वोट शेयर भी मिला था। अब जो दूसरा पॉइंट अखिलेश यादव मायावती को बताएंगे, वो कहेंगे कि 2014 में तो कांग्रेस को सिर्फ 7% वोट मिला था, लेकिन अब जितने भी सर्वे हो रहे हैं, जितने भी अर्बन पोल हुए हैं, जो कुछ भी हुआ है, उससे साफ दिख रहा है कि कांग्रेस का वोट शेयर ऑलरेडी 12.5-13% के आसपास पहुंच गया है, 6% से बढ़ गया है, और ये तब बढ़ा था जबकि प्रियंका गांधी की इंडक्शन नहीं हुई थी, जब तक कि उनको ईस्ट यूपी का प्रभारी नहीं बनाया गया था। तो अब तो हो सकता है कि ये जो इनके आने के बाद जो कल जो उत्साह देखा गया, जो रोड शो में उत्साह देखा गया, उसके बाद तो हो सकता है कि ये जो वोट शेयर है ये 12-13% से बढ़ के वापस 20% पे आ जाए, जो कि 2009 में हुआ था। तो वो अपनी बुआ को उनको कहना चाहिए कि हमको ये चाय पत्ती, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं रीड द टी लीव्स, हमको ये चाय पत्ती जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब तीसरे पॉइंट में ध्यान देना पड़ेगा कांग्रेस का जो अवध में जो कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ है। 2014 में जब कांग्रेस एकदम ख़त्म हो गई थी यूपी में, तब भी अवध के एरिया में कांग्रेस को 18% वोट मिला था, और रायबरेली और अमेठी अगर हम छोड़ दें, इसके अलावा भी उनको प्रतापगढ़ में, उन्नाव में, बाराबंकी में, फैज़ाबाद में, खुशीनगर में उनकी काफ़ी एक मजबूत स्थिति देखने को मिली थी उस 2014 के तूफान में भी। पॉइंट नंबर चार जो अखिलेश यादव को बताना चाहिए मायावती को, वो ये है कि कुछ 28 ऐसी सीट हैं यूपी में जिसमें कांग्रेस की स्ट्रेंथ काफ़ी बरकरार आ रहा है, और ये वो वाली सीटें हैं जो या तो उन्होंने 2009 में जीती थी या 2014 के तूफान में भी उनको 10% का वोट वहाँ मिला था। और उनको कहना चाहिए कि अगर हम फेयर होंगे, अगर हम एक अच्छी साफ सुथरी निगोसिएशन करेंगे कांग्रेस के साथ, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि इन 28 सीटों में उनकी शक्ति है, उनकी स्ट्रेंथ है।
पावर पॉइंट नंबर 5 कि कांग्रेस ने 2009 में कुर्मियों में बहुत ज़्यादा वोट जो अपनी थी बढ़ाई थी। 2007 और 2009 के बीच में करीबन 22% उनकी वोट जो थी वो कुर्मी कास्ट में काफ़ी बढ़ गई थी। और अब तो कांग्रेस ये भी कह सकती है कि देखिए हमने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बना दिया और वो कुर्मी है। अब ये जो चीज़ें हैं हिंदुस्तान की हिंदी हार्टलैंड की पॉलिटिक्स में इनका काफ़ी महत्व रहता है। पॉइंट नंबर 6, सिर्फ कुर्मी ही नहीं काफ़ी अलग वोटिंग ब्लॉक्स और कास्ट में भी 2009 में कांग्रेस को गेन हुआ था। अपर कास्ट में तो कोई 19% उनका वोट बढ़ गया था, ब्राह्मणों में कोई 13% बढ़ गया था और 11% बढ़ गया था मुस्लिम्स में, नॉन जाट ऑफ शेड्यूल कास्ट में और जाट्स में। अब अगर हम देखें तो जब से प्रियंका गांधी का अनाउंसमेंट हुआ है और राहुल ने भी काफ़ी शक्ति प्रदर्शन किया है तो हो सकता है कि ये जो कास्ट्स हैं वापस कांग्रेस के दायरे में आ जाएं 2019 में। अब पावर पॉइंट नंबर 7, देखिए जो मुसलमान वोटर है उसके लिए तो अगर ये महागठबंधन हो जाता है SP प्लस BSP प्लस कांग्रेस तो वो तो खुशी से एकदम झूम उठेगा, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि कुछ ऐसा समीकरण बने जिससे उनकी वोट जो है वो स्प्लिट ना हो। और अगर ये 20% ब्लॉक जो है मुस्लिम ब्लॉक जो है मुस्लिम वोटर ब्लॉक जो है ये अकेला ही एक यूपी में गेम बदल सकता है। अगर इस पर अगर आप ऐड कर दें दलित को, ऐड कर दें यादव्स को, ऐड कर दें कुर्मीज को, ऐड कर दें अपर कास्ट को, ऐड कर दें तो मुझे लगता है कि एक बहुत भारी मैंडेट एक लैंडस्लाइड भी बन सकता है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए पावर पॉइंट नंबर 8 और ये है महिला और युवा वोटर्स। बहुत ज़्यादा एविडेंस है, बहुत ज़्यादा अगर आप डेटा को देखें पुराने वोटिंग के रुझान देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो दो वोटिंग ब्लॉक हैं काफ़ी लचीले होते हैं, ये बहुत इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होते हैं। ये नए जो पॉलिटिकल समावेश बनते हैं, नई जो पार्टीज आती हैं, नए जो गठबंधन आते हैं उनके साथ ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको मौका देते हैं। इसके ऑपोजिट जो है वो है जो बुजुर्ग पुरुष वोटर होता है वो थोड़ा फिक्स्ड रहता है अपनी पॉलिटिकल जो उसकी जो मान्यताएं हैं जो उसकी प्रेडिलेक्शन है वो उसमें थोड़ा फिक्स्ड रहता है। तो अब तो अखिलेश यादव को सिर्फ यही कहना होगा मायावती जी को कि देखिए क्या हो सकता है कि अगर एक पोस्टर बनता है यूपी में जिसमें आपका चेहरा होगा, प्रियंका गांधी का चेहरा होगा, राहुल गांधी का चेहरा होगा और मेरा होगा, तो देखिए उससे किस तरह से महिला वोटर और युवा वोटर जो है फिर जो है हमको एक्सपेरिमेंटली सपोर्ट कर सकता है। अब जो है पावर पॉइंट नंबर 9, अखिलेश यादव को दिखाना चाहिए मायावती जी को कि देखिए आप इंडिया टुडे का और सी वोटर का दोनों का ओपिनियन पोल जो अभी अभी हुआ है वो देख लीजिए, क्योंकि वो बताता है कि अगर हम तीनों पार्टी इकट्ठा हो जाती हैं एक महागठबंधन बच जाता है तो जो हमारा वोट शेयर है वो 50% से काफ़ी ऊपर चला जाता है। यानी कि जब वोट 50% से ऊपर चला जाता है और बीजेपी का जो वोट है हमसे 10 से 15 परसेंटेज पॉइंट्स हमारे पीछे है तो यहाँ पे एक सफाया हो सकता है बीजेपी का। और इंडिया टुडे का पोल तो ये कहता है क्योंकि वो 75 सीट 80 में से 75 सीट महागठबंधन को देता है और केवल 5 सीट बीजेपी को देता है। और अब तो फाइनल पावर पॉइंट मतलब कि नंबर 10, और इसमें अखिलेश यादव शायद मायावती जी को बोलेंगे कि बहुत मशहूर कहावत है अंग्रेजी की कि समथिंग इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, मतलब कि अगर एक सांसद मेरे पास है तो उसका महत्व कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उस एक सांसद से जो कि मैं शायद जीत लूँ उस क्षेत्र से शायद जहाँ से मैं जीत लूँ। तो उनको कहना होगा कि अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो शायद मैं और आप दोनों 22 से 25 सीट ईच जीत सकते हैं, लेकिन अगर हम कांग्रेस को एक रिस्पेक्टेबल नंबर यानी कि 22 अगर उनको भी सीट देते हैं तो हम दोनों का 30-30 सीट जीतना ऑलमोस्ट सर्टन ऑलमोस्ट पक्का है। और जैसे ही ये 10 पॉइंट का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है मायावती जी तो ऑब्वियसली वही अपना पुराना डाउट रेज करेंगे कि मैं कैसे मान लूँ कि ये सारा वोट मुझको ट्रांसफ़र हो जाएगा। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को एकदम उनको कहना चाहिए कि जैसे आप और मैं मजबूत लीडर हैं, जैसे आप और मैं अपना वोट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अब कांग्रेस भी स्थिति में आ गई है जब से राहुल गांधी ने शक्ति प्रदर्शन किया है, जब से प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे मजबूत लीडर यूपी में आ गए हैं, तो अब कांग्रेस भी स्थिति में है कि वो अपना वोट ट्रांसफ़र कर सके। क्योंकि जब वो अपने सपोर्टर को कहेंगे कि देखिए आप अगर समाजवादी पार्टी कैंडिडेट पे वोट डालते हैं या बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट पे वोट डालते हैं तो आप हमारे लिए वोट डाल रहे हैं, आप कांग्रेस के कैंडिडेट पे वोट डाल रहे हैं, तो जब वो ये सब कहेंगे तो उनका जो सपोर्टर है उनकी बात मानेगा, क्योंकि अब वो उनको शक्तिशाली देखता है, अब उनको वो जीत के योग्य देखता है। तो अब ये सारी कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो गई, आपको क्या लगता है कि मायावती जी का रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या कहेंगी वो?
अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो सवाल है ये 100 करोड़ वोट का सवाल है। इट्स अ बिलियन वोट क्वेश्चन।